स्थल में अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण करने के पश्चात वह सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह से व्याप्त हो जाते हैं और वह अपने कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचनों को श्री कृष्ण से कुछ इस प्रकार कहते हैं। तान समीक्षा श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गई और इस प्रकार बोले, दृष्टवे अभिलाषी, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रही है। शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडिवं संस्रते हस्तात् त्वचैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूं। किम नो राजी न गोविंद किम भोगे जीविते न वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घृता अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु
अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वेतानात ताइना तस्मान अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान स बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इन आपत्तियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे।